ग्लैमर इंडस्ट्री का एक और चमकता सितारा आज तारा बन गया। टीवी के बिग बॉस सिद्धार्थ शुक्ला की हार्ट अटैक से मौत की खबर से एक पल के लिए हर किसी के दिल की धड़कन रुक गई। बिग बॉस सीजन 13 के विनर सिद्धार्थ शुक्ला की हार्ट अटैक से मौत हो गई। उनकी उम्र सिर्फ 40 साल थी। बताया जा रहा है कि बुधवार रात सोने से पहले उन्होंने कुछ दवाएं ली थी, इसके बाद वो सोने चले गए। रात में उन्हें बेचैनी महसूस हुई, वो पानी पीकर सो गए। सुबह दोबारा उनकी तबीयत बिगड़ी तो परिवार वाले उन्हें कूपर अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें ब्रॉट डेड यानी अस्पताल पहुंचने से पहले ही मृत घोषित कर दिया। सिद्धार्थ शुक्ला की मौत को लेकर उनके परिवार ने किसी तरह की आशंका नहीं जाहिर की है। पुलिस की शुरुआती जांच में किसी तरह का संदेह नहीं जताया गया है। उनके शरीर पर किसी तरह की चोट के निशान नहीं है। कूपर अस्पताल में आज शाम को सिद्धार्थ के शव का पोस्टमार्टम किया गया। सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने फिल्म और ग्लैमर इंडस्ट्री में वर्क और परफॉर्मेंस प्रेशर पर जबरदस्त बहस छेड़ी थी, जिसे सिद्धार्थ शुक्ला की मौत ने हवा दी है। उनकी मौत की खबर सुनकर हर किसी के मुंह से सिर्फ एक ही बात निकली कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो बिल्कुल फिट थे, अचानक क्या हो गया। करोड़ों दिलों की धड़कन सिद्धार्थ शुक्ला को आखिर कौन सा तनाव था जो उनका दिल बर्दाश्त नहीं कर पाया। चंद रोज पहले सिद्धार्थ अपनी मां को रिसीव करने मुंबई एयरपोर्ट पहुंचे थे। वो बिल्कुल फिट नजर आ रहे थे। अपने फैंस से वो बात भी कर रहे थे। तब किसने सोचा था कि यह सिद्धार्थ शुक्ला का आखिरी वीडियो साबित होगा। उस दिन के बाद वो फिर किसी को नहीं दिखेंगे, कभी भी नहीं। सिद्धार्थ शुक्ला की यूं अचानक मौत पर यकीन करना मुश्किल हो रहा है। 40 की उम्र कोई दुनिया छोड़कर जाने की उम्र नहीं होती। अभी जिस न्यूज एंकर से कॉल मिला, मैं तो गाड़ी में सफर कर रही थी। I was just going somewhere and you know my manager, he just picked up the phone and he just told me that you know this has happened and I was like, nee, maybe you've heard something wrong because I was like, ये क्या बकवास बोल रहे हैं। मैंने कहा ये नहीं, कुछ और होगा, मे बी ही इज गोइंग इन द शो, यू नो अभी जो कुछ सीजन चालू हुआ है, मे बी कुछ आपने कुछ और सुना होगा, बिकॉज आई हैड रेड समवेयर दैट ही इज गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ दिस बिग बॉस एंड यू नो प्रोबेबली डू समथिंग, सम होस्टिंग पार्ट और समथिंग, पता नहीं, मैंने कल ही कुछ सुना था। एंड देन आई सडनली सॉ द मैसेज एंड आई जस्ट कुडंट स्टॉप क्राइंग। आई वाज लाइक व्हाट हैपेंड, हाउ। बड़ा अच्छा उनका फ्यूचर था मेरे हिसाब से और बहुत बहुत ही कामयाब एक्टर थे वो, तो बल्कि मैं कहूंगा मेरे से ज्यादा, तो जिसका कोई हर्ज नहीं है, लेकिन बहुत ही टैलेंटेड, वेरी गुड लुकिंग, वेरी नाइस, एंड मेरा जहाँ तक ख्याल है उनके आगे बहुत अच्छा फ्यूचर था, लेकिन अपना कुदरत को मंजूर नहीं था तो उनका बुलावा आ गया। बड़े अफसोस की बात है कि इतनी यू नो यंग उम्र पे, आई मीन 40 इयर्स इज द पीक ऑफ योर लाइफ, उस पे उनका देहांत हुआ, तो बहुत बहुत अफसोस हो रहा है, बहुत ही दुख हो रहा है। आई ओनली होप इट वाज इन स्ट्रेस एंड प्रेशर, ही वाज डूइंग सो वेल, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम अगर मैं किसी टीवी एक्टर का फैन बना हूं वो है सिद्धार्थ शुक्ला, एंड आई यूज्ड टू टेल माय चिल्ड्रन दिस गाय इज गोना बी सच अ ह्यूज एक्टर, सच अ ह्यूज स्टार वन डे। वेरी सैड, माय हार्ट गोज टू द फैमिली। ही वाजंट इवन मैरिड, हिज बेस्ट डेज वर ऑन, अच्छे दिन तो उसके भी शुरू हुए थे। 1980 में मुंबई में ही जन्मे सिद्धार्थ शुक्ला ने अपने करियर की शुरुआत एक मॉडल के तौर पर की थी। उन्हें इला अरुण के बहुत फेमस हुए म्यूजिक वीडियो रेशम का रुमाल की वजह से पहली बार खूब सुर्खियां मिली थी। बिग बॉस 13 का विनर बनकर तो वो टीवी के बिग बॉस बन गए, सिद्धार्थ शुक्ला। लेकिन जब टीवी और एंटरटेनमेंट के आकाश में सिद्धार्थ के सितारे बुलंदियों पर थे, तब अचानक उनके गुजर जाने की खबर से हर कोई स्तब्ध है। कभी सोचा नहीं था कि सिद्धार्थ के लिए मुझे मॉर्ग में आना पड़ेगा मिलने के लिए। मैं उनको बिग बॉस में नहीं मिला हूँ और मैं उनको जिम में मिलता था, हम एक ही जिम में वर्कआउट करते थे, साथ में हेल्थ और बाकी आध्यात्मिक की बातें करते थे, तो बहुत अच्छा दोस्त मैंने खोया, और बहुत फिट था फिजिकली और मेंटली भी। सिद्धार्थ शुक्ला की अचानक मौत की तरह उसकी वजह पर भी लोगों को भरोसा करना मुश्किल हो रहा है। सिद्धार्थ शुक्ला को सबसे चुस्त दुरुस्त एक्टर्स में शुमार किया जाता था। सिद्धार्थ के सोशल मीडिया प्रोफाइल्स उनके वर्कआउट सेशंस की तस्वीरों से भरे पड़े हैं।
उनको देखकर लगता भी था कि वो अपनी फिजिक के लिए कितना ध्यान देते होंगे। इसके लिए सिद्धार्थ घंटों एक्सरसाइज के अलावा कितनी हेल्दी जीवन शैली फॉलो करते रहे होंगे, इसके बावजूद उनके दिल ने धोखा दे दिया। का ऑरा इतना पॉजिटिव था, ही वाज इतने पॉजिटिव व्यक्ति थे। ये इससे बड़ी शॉकिंग न्यूज और इतना दुखद, बिकॉज हेल्थ फ्रीक इंसान जो 2-2.5 घंटे वर्कआउट करें, 1.5-2 घंटा वेट ट्रेनिंग करें, शरीर का ध्यान दें, हेल्थ का ध्यान दें, डाइट का ध्यान दें, हर तरीके से संपूर्ण, ये भी नहीं क्या कोई कोई बहाना मिल गया कि भाई ये इस चीज के आदि थे या वो आदि, ऐसा कुछ भी नहीं था। ऐसे व्यक्ति के बारे में ये एज में 40 साल की उम्र जहां करियर शुरू होता है, एक कलाकार मैं भी हूं पता है कितने स्ट्रगल के बाद एक समय इतना अच्छा आता है, एक गोल्डन डेज था उनका, ही वाज अ गोल्डन बॉय। बिग बॉस में सिद्धार्थ शुक्ला अपनी परफॉर्मेंस के अलावा अगर किसी चीज पर सबसे ज्यादा ध्यान देते थे तो वो थी बॉडी बिल्डिंग। लेकिन इन सब के बावजूद हार्ट अटैक से मौत जितनी शॉकिंग है, उनकी मौत के संकेत उतने ही खतरनाक। क्या सिद्धार्थ शुक्ला भी ग्लैमर इंडस्ट्री में परफेक्ट बॉडी और फिट दिखने के प्रेशर का शिकार हो गए? क्या सिक्स पैक एब्स मेंटेन करने की मजबूरी ही उनकी बॉडी को खा गई? It's very unfortunate that a young life has been lost at the prime of his career. And we're seeing young people coming with sudden cardiac death or a heart attack. Lifestyle changes are a major cause. Our abnormal diet, lack of exercise, and major factor is stress. And such stress is coming in different manner. And it may be professional stress, it may be family stress. So what I would suggest is that young people need to take care of their lifestyle. They also need to decrease their stress level, which may be done by multiple means. Fit dikhna, chahe mentally fit ho ya na ho. Hamesha muskurana, chahe dil ho ya na ho. स्क्रिप्ट की डिमांड पर गुस्सा होना, चाहे दिमाग साथ दे या ना दे, और उन लोगों को यही ग्लैमर की दुनिया का दस्तूर है जिसे ज्यादातर लोग निभाते चले जाते हैं। सिद्धार्थ शुक्ला भी निभाते चले जा रहे थे, वो बॉडी से फिट थे लेकिन उनका दिल कमजोर निकला, रुक गया और एक सितारा चला गया।